किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सुंदर चेहरा पल दो पल के लिए याद रहता है, लेकिन सुंदर व्यवहार जीवन भर के लिए याद रहता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक प्रवचन दे रहे थे महात्मा जी, और प्रवचन में भारी भीड़ थी। उस भीड़ में से एक युवक को उन्होंने खड़ा किया और पूछा कि मैं आपसे दो सवाल करूंगा, आप सच सच जवाब दीजिएगा। उसने कहा, जी महात्मा जी, जी महाराज जी। महात्मा जी ने उससे पहला सवाल किया कि मान लीजिए आप बाजार में जा रहे हैं और आपको एक सुंदर लड़की दिखती है, तो क्या आप उसे देखेंगे? आप उसे पलट के देखना पसंद करेंगे? उस व्यक्ति ने कहा कि अगर मेरी बीवी साथ नहीं होगी तो हां, जरूर देखूंगा। पब्लिक हंसने लगी। उन महात्मा जी ने कहा कि वो चेहरा आपको कब तक याद रहेगा? वो जो व्यक्ति था, वो जो लड़का था, उसने कहा कि जब तक कोई उससे सुंदर नहीं दिख जाता। पब्लिक फिर से हंसने लगी। फिर उसने कहा कि मतलब एक दो दिन याद रहेगा, फिर भूल जाऊंगा। जो महात्मा जी थे, उन्होंने कहा कि अब मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं, दूसरी आपको परिस्थिति बताता हूं, दूसरी सिचुएशन आपको देता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि गिफ्ट है, इसको ले जाकर के आपको मुंबई में एक व्यक्ति को देना है, आप जाएंगे? उसने कहा, हाँ जी हाँ जी, आपका आदेश, क्यों नहीं जाऊंगा। महात्मा जी कहते हैं कि आप जब वो गिफ्ट देने के लिए जाते हैं मुंबई, और मुंबई में आपको बता देता हूं कि इस पते पर जाना है, इस व्यक्ति से मिलना है, आप वहां पहुंचते हैं तो आप चौंक जाते हैं। वो ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं, वो अरबपति आदमी है। उसका बंगला देखते हैं, उसकी शानो शौकत देखते हैं, गाड़ियां ही गाड़ियां, महंगी महंगी, गार्ड्स ही गार्ड्स लगे हुए। आप बताते हैं गार्ड्स को कि मुझे एक तोहफा देकर के महात्मा जी ने भेजा है। गार्ड्स अंदर कॉल करते हैं, वही सज्जन जिनका वो मकान है, वो खुद दरवाजे पर आते हैं आपको लेने के लिए। आपसे तोहफा लेते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि आइए। आप मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे तो जाना है। वो कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, रुके रुके रुके, आपको अंदर आना पड़ेगा। आपका स्वागत सत्कार किया जाता है, आपको अंदर लेकर के जाते हैं। आपके 10 बार मना करने पर भी आपके लिए लंच लगाया जाता है, गर्मा गर्म भोजन आपको परोसा जाता है। आपके साथ बैठ करके वो डाइनिंग टेबल पर लंच करते हैं, आपसे यहाँ की वहां की आपके बारे में बात करते हैं। आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि आप उनसे पहली बार मिले। आपको ऐसा लगता है कि ना जाने कितने सालों से इनको जानता हूं। और उसके बाद में वो खुद आपको दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप कैसे आए थे। तो आप कहते हैं कि बस से आया था, ट्रेन से आया था। वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि इन्हें इनके घर तक सुरक्षित पहुंचा कर क्या हो। महंगी कार में आप बैठते हैं, आपको आपके घर तक पहुंचाया जाता है। जैसे ही आप घर पहुंचते हैं, आपके पास में कॉल आता है उन्हीं अमीर व्यक्ति का। वो आपसे पूछते हैं कि आप पहुंच गए आराम से? आप कहते हैं, हाँ जी हाँ जी, सुरक्षित पहुंच गए। वो कहते हैं, अभी कोई दिक्कत रहे नंबर सेव कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। अब आप मुझे बताइए कि उनका चेहरा, उस अमीर व्यक्ति का चेहरा आपको कब तक याद रहेगा। जो लड़का प्रवचन में खड़ा हुआ था, जिससे सारे सवाल किए जा रहे थे, उसने कहा, महात्मा जी, उस व्यक्ति का चेहरा जीवन में कभी भी नहीं भूलूंगा। वो महात्मा जी ने प्रवचन में जो भीड़ थी, जो सभा में लोग थे, उनसे कहा कि समझ गए, सुंदर चेहरा पल दो पल के लिए याद रहता है, लेकिन सुंदर व्यवहार जिंदगी भर के लिए याद रहता है। जिसने सुंदर व्यवहार कर लिया, उसका चेहरा आप कभी भूल ही नहीं सकते। छोटी सी कहानी है, लेकिन जो बताना चाह रही है वो ये बताना चाह रही है, हम सब इस चेहरे को चमकाने के लिए न जाने कितना खर्चा करते हैं, न जाने कितनी क्रीम, पता नहीं क्या क्या, लेकिन जो व्यवहार है, जो मन है, उसको चमकाने के लिए कुछ नहीं करते। जिस दिन आपने अपने व्यवहार में चेंज लाना शुरू किया, जिस दिन आपने अपने मन को चमकाना शुरू किया, उसे सुंदर बनाना शुरू किया, अपने व्यवहार को सुंदर बनाना शुरू किया, उस दिन सारा कमाल होने लगेगा। आपका भी व्यवहार लोगों के दिल में घर कर जाएगा, आपका चेहरा वो कभी भूल नहीं पाएंगे। मुस्कान बांटते चलिए, जीवन का सिर्फ यही और यही एकमात्र पर्पज है। एक बार फिर से आपसे कहूंगा जो हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक नई कहानी।